ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन के बाजारों में अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर परिषद लगातार अभियान छेड़े हुए हैं। नगर परिषद के कर्मचारियों ने शिकायत पर सोलन के लोअर बाजार में कार्यवाही अमल में लाई, जिसमें कुछ दिन पहले व्यापारियों को चेतावनी दी गई थी कि वे अपना सामान केवल दुकानों के अंदर लगाएं और बाजार की सड़कों पर अतिक्रमण न करें, अन्यथा उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। सोलन के बाजारों में अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर परिषद लगातार अभियान छेड़े हुए है। नगर परिषद के कर्मचारियों ने शिकायत पर सोलन के लोअर बाजार में कार्रवाई अमल में लाई, जिसमें कुछ दिन पहले व्यापारियों को चेतावनी भी दी गई थी कि वे अपना सामान केवल दुकानों के अंदर लगाएं और बाजार के सड़क पर अतिक्रमण न करें, अन्यथा उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारियों ने अपनी हट नहीं छोड़ी तो नगर परिषद ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई, जिस कारण आज बाजार में खलबली मच रही है। अधिक जानकारी देते हुए नगर परिषद के वर्क सैनिटरी इंस्पेक्टर ने बताया कि जब वे अतिक्रमण पर कार्रवाई अमल में ला रहे थे तो कुछ दुकानदारों ने उनका विरोध किया, लेकिन उन्होंने अपनी कार्रवाई जारी रखी और दो दुकानों का सामान भी जब्त किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी उनकी ये कार्रवाई जारी रहेगी। मैं दीपराज हंस, वर्क सेंटर इंस्पेक्टर नगर परिषद सोलन। आज पालिका द्वारा जो मुझे आदेश दिए गए थे, लोअर बाजार में अतिक्रमण हटाने बारे कार्य किया गया, जिसमें कुछ दुकानदारों ने बहसबाजी करना शुरू कर दिया। इन्हें बार बार आग्रह करने पर भी ये सामान नहीं उठाते, अतः कुछ लोगों का सामान जब्त किया गया।